हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए। तो गाइस, आज मैं पहुंच चुका हूं सेक्टर 10 के लेजर वैली ग्राउंड में। तो गाइस, यहां पे एक मेला लगा हुआ था चंडीगढ़ कार्निवल वंडरलैंड के नाम से, जो गाइस 25, 26, 27 को लगा था, और अभी मेला एंड हो चुका है। वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आप नेक्स्ट ईयर इस मेले को आप जाके इन्जॉय कर सकें। तो ये हर ईयर को लगता है गाइस। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे एक्टिविटी और बहुत ही अच्छे अच्छे थीम यहाँ पे क्रिएट किए गए थे। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मिरर मैन है, और ये ग्रीन कलर का एक बहुत ही अच्छा एक थीम था। तो गाइस, यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे झूले वगैरह थे। ये ग्राउंड पूरा ही भरा हुआ था। यहाँ पे टैटू आर्टिस्ट और भी बहुत तरह के लोग यहाँ पे विजिट कर रहे थे। तो गाइस, ये देख सकते हो एक बिना गर्दन वाला एक थीम क्रिएट किया था। मैन तो बड़ा ही अच्छा था, और इसको बच्चे देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा ले रहे थे। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक डॉल थी, तो बहुत ही अच्छा था इनको देखने में, बहुत ही पास से मज़ा आ रहा था। तो हम इनके साथ गाइस यहाँ पे फ़ोटो शूट कराते हैं और बहुत ही इस मेले को एंजॉय करते हैं। तो गाइस, ये देख सकते हो मिरर मैन है, ये शीशे के बने हुए हैं। ये भी बहुत ही अच्छा एक थीम था। तो ये मेला गाइस एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा ऑसम था, और यहाँ पर बहुत ही तरह के लोग आ रखे थे गाइस, आर्टिस्ट थे यहाँ पर। हमारे जो भी टैलेंट है हमारे देश का, उसके अलग अलग यहाँ पे सभी अपने अपना थीम को लेके यहाँ पे पेश हो रखे थे। तो गाइस, यहाँ पे बहुत ही लोग भीड़ कर रहे थे, और ये पूरा दिन फुल ही रहता था। तो गाइस, ये देख सकते हो स्टूडेंट ने बनाया हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज ने, और ये टॉम एंड जेरी का एक थीम है। इन्होंने बोला कि हमें बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, लेकिन लोग हमारी मेहनत को हल्के में लेते हैं। तो खुद मेरे से बात किया गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ से। तो गाइस, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक मिकी माउस का यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। इसको इन्होंने बोल रहे हैं कि इसको हार्ड वर्क लगा बहुत करने में, सुबह 4-4 बजे तक इनको जाके इन्होंने बनाया है। तो लोग जो इनकी मेहनत है उसको हल्के में लेते हैं, लेकिन जो पीछे बंदा मेहनत कर रहा होता है उसका हार्ड वर्क नहीं देखा जाता। तो ये खुद भी बोलते हैं कि हमारा जो हार्ड वर्क है उसकी लोग वैल्यू नहीं पाते। तो ये गलत बात है, जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको लाइक करना चाहिए, उसकी जो मेहनत है उसको पूरा जोर से लाइक करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो ये गलत बात है कि मैं भी जैसे सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को भी बहुत कम लोग लाइक करते हैं, जेलसी ज़्यादा है हमारे इंडिया में, तो इससे दूर रहना चाहिए। थैंक यू। तो गाइस, इस मेले में देख सकते हो काफ़ी टाइप के यहाँ पे थीम्स क्रिएट थे। स्टूडेंट यहाँ पे अपने अपने यहाँ पे प्रैक्टिकली जो भी उन्होंने बनाया था उसको लेके यहाँ पे आ रखे थे। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था इनको देखने। तो गाइस, ये देख सकते हो कि हमारे इंडिया में कितना ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उसको कोई पहचानता नहीं। ये भाई साहब मिट्टी से एक पूरा मैंस का डिज़ाइन कर रहे थे, बहुत ही ऑसम था। तो गाइस, यहाँ पे ये आप सुनिए, ये है रियल म्यूज़िक। सुनो गाइस, इन्जॉय। तो गाइस, मेले में यहाँ पे अल्लादीन आ जाता है, यहाँ से चिराग से अपने अल्लादीन को निकालेगा। देख सकते हो गाइस, ये अल्लादीन को जो निकालता है जिन वो है, और यहाँ पे सामने है अल्लादीन गाइस का जो जिन का भूत है वो आ रखा है। तो बहुत ही ऑसम था गाइस, इसको देखने में बहुत मज़ा आ रहा था पास से, और ये एक अच्छा थीम था, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी था। इसको देख के बहुत लोग फन कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे। आप देख सकते हो कितना ही ऑसम अल्लादीन बना हुआ था। तो ये अल्लादीन के साथ हम फोटोशूट कराते हैं गाइस, क्योंकि काफ़ी अच्छी थीम थी। तो गाइस, ये देख सकते हो कि सर्कस है यहाँ पे। भाई साहब बहुत ही अच्छे अच्छे करतब करके दिखा रहे थे, क्योंकि हमारी इंडिया में वैल्यू नहीं है गाइस। आर्टिस्ट बहुत तरह के हैं, लेकिन हमारी इंडिया में वैल्यू नहीं है आर्टिस्ट का। तो गाइस, इन्होंने बहुत ही अच्छा ये एक सर्कस था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क है गाइस इसमें, देख सकते हो। और एक पाइप से ही उन्होंने अपना बैलेंस बना रखा है, और रस्सी के ऊपर देखो कैसे कैसे गाइस सिल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इंडिया में, बट उनकी जो कला है गाइस उसको नहीं पहचाना जाता, और लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे अपना पूरा दिखाया कि हम कैसे कैसे अपने जान को रिस्क में लेके ये करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हल्की सी रॉप है, उसके ऊपर बंदा बैठा है, और ये पूरा सर्कस लोगों के आगे अपना जो टैलेंट है उसको
पेश कर रहा है, लेकिन लोग फिर भी गाइस वैल्यू नहीं डालते कि बंदा अपनी जान पे खेल के कैसे कैसे क्या कर रहा है। तो गाइस अब ये व्हील लेंगे साइकिल का और उसको भी रोप के ऊपर चलाएंगे अपने पैरों के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड वर्क है गाइस। तो देख सकते हो गाइस ये रोप है और इसके ऊपर अभी ये इसको सेट करेंगे चक्के को और फिर ये चलाएंगे। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग इनके आर्टिस्ट जो भी थे बैठे थे यहाँ पे। तो ये देखिए गाइस ये साइकिल है और इसको ये चला रहा है भाई, सब पैरों से चलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपको वीडियो में तो ऐसे लगेगा कि कुछ नहीं ईजी है, बट ये करना बहुत ही ज़्यादा और डेंजरस है, इंजरी हो सकती है अगर बंदा नीचा गिर जाए। तो हम सबको इनकी जो कोई भी कला है गाइस इसको लाइक करना चाहिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और इनको इनकी हेल्प होए और जो इनका टैलेंट है उसको दुनिया भर में पेश करना चाहिए। देखिए गाइस कितना डेंजरस सीन है। तो गाइस कैसे कैसे हिल रहा है कि आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ईजी है। तो गाइस यहाँ पे स्टैचू थे आप देख सकते हो, मैन है, कैसे कैसे यहाँ पे क्रिएट किए गए थे स्टैचू। ऐसे लग रहा था कि ये पुतला है बट ये इंसान था गाइस, उसको इसके अंदर एक फिट किया हुआ था इंसान, जो कि अच्छा थीम था। तो गाइस मेला ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही लोग यहाँ पे विजिट कर रहे, आप देख ही सकते हो भीड़ चारों तरफ फैला हुआ है। तो मैं आपको गाइस रेकमेंड करूँगा कि आप नेक्स्ट ईयर इसका वेट कीजिए और इस मेले में अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने के लिए जरूर विजिट करें। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं कब नई वीडियो में, काफ़ी मस्त मेला था। तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस और मोर वीडियो के लिए। बाय गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।